बीमारी बहुत बढ़ रही है वगैरह, तो ये सब हमारे खान पीन से ही हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करते हैं, जैसे हमारे बाप दादा जो है जीवामृत, घन अमृत और बीजामृत वगैरह डालते हैं, और वो हमारी जो सभी किसान है सभी के पास देसी गायें हैं, किसी के पास दो गायें हैं, किसी के पास चार गायें हैं, किसी के पास छह गायें हैं, उनसे भी हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि देसी गाय का दूध जो है हमारा 60-65 रुपए लीटर बिकता है, और जो उसका घी है वो 1800 रुपए किलो हम बेचते हैं, वो हमारे गाय से ही फ्री में हो रही है बिल्कुल। उसके गोमूत्र गोबर ही यूज करते हैं, जीवामृत बनाते हैं, उसमें गोमूत्र ले लेंगे 5 लीटर, बाकी 5-4 किलो गोबर ले लेंगे और गुड़ ले लेंगे, बेसन ले लेंगे, उसको हमारे टैंक बने हुए हैं 12 पे ना, सीमेंटी टैंक, उसमें हम डालते हैं, तो उसको 72 या 76 घंटे या 84 घंटे में तैयार हो जाता है। नमस्कार सभी किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तनु सांगवान स्वागत करता हूँ आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खेती दुनिया, जो आप सभी किसान भाइयों के लेकर आता है नए नए प्रकार के जानकारी। तो आज हम आए हैं नारसन ब्लॉक के शेरपुर गांव में, जहां पर जयसुद भूमि एक फर्म है और तैयार करती है हमारे किसान भाइयों के लिए सभी प्रकार के ऑर्गेनिक गुड़ शक्कर खांड। तो जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो आप आज आपको अपनी पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार वो तैयार करते हैं अपनी फैक्ट्री में इसका सारा कार्य। तो वीडियो को थोड़ी लंबी हो जाएगी किसान भाइयों, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। किसान भाइयों, तो शुरुआत प्रगतिशील किसान की मैं बात कर रहा था, आएंगे अपना एक छोटा सा परिचय। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा क्योंकि तो हमारे पास यहाँ तक आप किसानों के पास पहुंचे जी, सभी अपने समूह की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। धन्यवाद। तो मेरा नाम सुधीर कुमार है, गाँव शेरपुर खेलमऊ है, ब्लॉक नारसन है, तहसील लुड़की है और जिला हरिद्वार है उत्तराखंड। तो किसान भाई, अगर आप जैसे ये ऑर्गेनिक जो कार्य कर रहे हैं, ऑर्गेनिक से जो आप अपना गुड़ शक्कर खांड जो तैयार कर रहे हैं जी, ये किस तरीके से रूप में आप तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक का जो मतलब है मैं वो समझना स्पष्ट करना चाह रहा हूँ जी। पहले जो हमने 2016 में एक विचार आया हमारे मन में कि भाई बीमारी बहुत बढ़ रही है सभी जगह पे, सभी लोग बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था बीमार नहीं थे लोग जी। ये ऐसी बीमारी देखने में आ रही है जैसे डायबिटीज कैंसर वगैरह, तो ये सब हमारे खान पीन से ही हुई है बिल्कुल। तो हमारे मन में एक विचार आया, हमने एक मीटिंग की कुछ किसानों को लेके, कुछ अपने गाँव के कुछ बाहर से लेके, तो हमने एक विचार किया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जैसे हमारे बाप दादा करते थे पहले जी। तो उनका सबका सहमति बनी तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी 2017 में और सर्टिफिकेशन भी हमने करा लिया। हमने क्या किया उसमें, हम जो है जीवामृत, घन अमृत और बीजामृत वगैरह डालते हैं, और वो हमारी जो सभी किसान है सभी के पास देसी गायें हैं, किसी के पास दो गायें हैं, किसी के पास चार गायें हैं, किसी के पास छह गायें हैं, उनसे भी हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि देसी गाय का दूध जो है हमारा 60-65 रुपए लीटर बिकता है, और जो उसका घी है वो 1800 रुपए किलो हम बेचते हैं अपने एपीओ पे बिल्कुल। तो उससे हमें एक लाभ हो गया, ये दूसरा लाभ हमारा हो गया कि हमारी जो ऑर्गेनिक खेती है वो हमारे गाय से ही फ्री में हो रही है बिल्कुल। उसके गोमूत्र गोबर ही यूज करते हैं, उसमें कैसे छिड़काव वगैरह करते हैं उसमें, हम क्या करते हैं गोमूत्र का छिड़काव भी करते हैं, वैसे हम उसको जो है ना जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, उसमें गोमूत्र ले लेंगे 5 लीटर, बाकी 5-4 किलो गोबर ले लेंगे और गुड़ ले लेंगे, बेसन ले लेंगे, उसको हमारे टैंक बने हुए हैं 12 पे ना, सीमेंटेड टैंक, उसमें हम डालते हैं, तो उसको 72 या 76 घंटे या 84 घंटे में तैयार हो जाता है वो, उसको हम डाल के उसमें घुमाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, उसको फिर हम क्या करते हैं ड्रिंचिंग, उसको 20 खोल देते हैं साथ में ना, वो हमारे खेत में चला जाता है, उससे हमारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है जी। हाँ जी, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास जो है ना ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास वगैरह जो है ना ऑर्गेनिक IPL से हम थोड़ा सा ले लेते हैं, उसका हम छिड़काव कर देते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को, जो ये कहते हैं कि 38 जो गन्ना है वैरायटी 0238, सब बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी है। मैं दवा के साथ कहता हूँ कि 38 गन्ने में कोई बीमारी नहीं है जी, अगर किसान भाई मेरे संपर्क करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, सिर्फ इसमें फंगस की बीमारी है, और फंगस के लिए हमारे पास खट्टी जो हमारी छाछ होती है उससे अच्छी कोई दवाई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल देसी देसी बिल्कुल वो हम सबके घर में होती है और सबसे अच्छी दवाई है। 38 गन्ने में सिर्फ और सिर्फ फंगस लगती है, बाकी कोई बीमारी नहीं है। तो जो आपके साथ किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं जी, उन्हें आपसे आपके साथ जुड़ने का क्या लाभ है कि वो आपके साथ ऑर्गेनिक खेती करें, तो उन्हें क्या बेनिफिट? देखिए, हमने जो अपना अभी पहले तो हमने सर्टिफाई कराया अपने ग्रुप को, उसके बाद हमने भी एक एपीओ रजिस्टर्ड करा है, जय शुद्ध भूमि ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शेरपुर खेलमऊ के नाम से जी। उसमें सभी किसान जो है मेंबर हैं और सभी किसानों की शेयरिंग है। उसके बाद जितना भी हमारा एरिया है लगभग 1 हेक्टेयर है सबका, किसानों का, उसमें जितना गन्ना होता है या गेहूं होता है या सरसों होती है या उसमें जो भी सब्जियां भी होती हैं,
वो हम सब मार्केट में जो है ना ग्रुप के अनुसार बेचते हैं। जैसे कि हमारा गन्ना है, हमारी गन्ने की यूनिट है अपनी, उसमें हम गन्ने की पिलाई करते हैं और हम 10 लोग मैनेजमेंट में हैं। अच्छा, मैं भी मैनेजमेंट में हूँ, डायरेक्टर हूँ और बाकी लोग हैं, नरेंद्र जी हैं। अच्छा, साथ में तो हम लोग जो है मैनेजमेंट करते हैं उसका ग्रुप का। हम 355 रुपये तो किसान को देते हैं ग्रुप। अच्छा, जय शुद्ध भूमि जो एफपीओ है वो 355 रुपये का रेट देता है किसान को जी सर। और जो बाकी एक्टिविटी हैं अलग से, जैसे छिड़काव कराना या कोई ट्रेनिंग कराना किसी माध्यम से, वो सब फ्री रहती हैं कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी मार्केट करती है ना। जो जैसा हमारा जैगरी है, जैगरी पाउडर है और जो है ना खांडसारी शुगर है। शुगर की वरायटी हमारे पास 3 है, ब्राउन शुगर, येल्लो शुगर और व्हाइट शुगर जी। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के अनुसार ही किसानों की जो एक्टिविटी है कि दवाई डलवाना या स्प्रे कराना, टीम जाती है उसकी टीम की सैलरी देती है, तो वो सब प्रॉफिट से फ्री रहती हैं। जो सब प्रॉफिट से हाँ हाँ वो फ्री रहती हैं। तो इसमें किसान जो आपके साथ जुड़ा हुए उन्हें काफी अच्छा बेनिफिट भी है। जैसे हाँ, अगर गन्ने के मार्केट की रेट बात करें तो जैसे मार्केट में 280 या 270 रुपए है, लेकिन हमारा जो एफपीओ का जो समूह है उनका गन्ना 355 रुपए का है। 355 रुपए का। तो अभी जो हमारे जो किसान भाई हैं, और अगर कोई चाहता है कि इस तरीके का जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना कार्य को और आगे बढ़ाना, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज? जब हमने 2016 में ये विचार किया तो किसान बहुत डरते थे जी। कि भाई पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। जब हमने अपनी यूनिट लगाई और 355 का रेट कर दिया और हमारा मार्केट में गुड़ और शक्कर और ये खांड जाना शुरू हो गया, तो अब हमारे पास लाइन लगी हुई है किसानों की। किसान जैसे आप यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, जैसे हम गन्ना लेके आए, गन्ने को आपने अपने उसमें उतारा फैक्ट्री में, उसके बाद रस निकाला, रस से आपने गुड़ तैयार करा, शक्कर तैयार करी, तो उसके बाद फिर इसके कैसे आप इसे यहाँ पर मशीनों के द्वारा कैसे इसे तैयार करते हैं? देखिए इसको क्या है, ऑर्गेनिक में आप उसमें देखिए इसको क्या करते हैं, हमारे पैन जो होते हैं जूस को, पहले तो हम गन्ने को क्रश करते हैं कोल्लू में, कोल्लू के बाद उसको हम क्या करते हैं अपने जो पैन है उनमें बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो तैयार हो जाता है, जैगरी अलग क्यूब बनता है हमारा जो बर्फी पीस है, और जैगरी पाउडर जो है ना वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको फिर हम सन ड्राई करते हैं जी। सन ड्राई करने के बाद उसको झरना लगाते हैं, फाइन करते हैं उसको, फाइन करने के बाद हम उसको बेचते हैं। हमारे पास जो 24 लेटर मंत्रा है और बाकी बहुत कंपनियां हैं जो हमारे से डायरेक्ट लेती हैं और एडवांस में ऑर्डर रहते हैं हमारे पास। जैसे अभी भी हमारे पास 500 टन का है 24 लीटर मंत्रा का, जैगरी पाउडर का, जैगरी पाउडर हाँ। और बाकी जो है ना बहुत कंपनियां हैं और भी, सेफ हार्वेस्ट है, बाकी और भी हैं, मल्होत्रा कंज्यूमर हैं, तो वो हमें से खांड वगैरह लेती हैं जी। और हम चाहते हैं कि उपभोक्ता हमारे से ज्यादा डायरेक्ट जुड़े जी। क्योंकि जो है हमारे एफपीओ का जो रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान को उसका गन्ने का दाम अच्छा मिल जाए और उपभोक्ता को प्योर ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक खाने को मिल जाए, जिससे हम ये बीमारी कम कर सकें, बीमारी भी कम कर सकें और एकदम बिल्कुल अच्छी चीज़ें किसान उपभोक्ता को दे सकें। कोई भी बाहर भी अगर कोई लेना चाहता है तो उसे उसको मिल जाए, आसानी से मिल जाए बिल्कुल। तो हम ये हमारा जो है मिशन यही है। तो अभी जैसे आप यहाँ पर मशीनें मैं देख पा रहा हूँ पीछे जी, में सभी में बॉयल होता है जी जी जी। जैसे ये मशीनें हैं हमारी, इनमें जैसे हमारा जैसे हनी है, हमारा जो गांव है शेरपुर खेलमऊ, ये सबसे बड़ा जो है बी कीपर जो है, सबसे ज्यादा बी कीपर है हमारे गांव में, 300 बी कीपर हैं और इंडिया में पहला गांव है अच्छा जिसमें सबसे ज्यादा बी कीपर हैं जी। तो उनसे हम जो हमारे एफपीओ में जुड़े किसान हैं उनके पास बॉक्स भी हैं मधुमक्खी पालन के, उनसे हम हनी कलेक्ट करके अपना प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा, ये सब जो एफपीओ का ही सिस्टम है सारा। तो इसमें जहाँ पे हम देख रहे हैं जो तीन प्रकार के आप बता रहे हैं, जो शक्कर तैयार करते हैं, खांड तैयार करते हैं, उसे तैयार करने में आप देखिए कुछ उपभोक्ता हमारे बोलते हैं कि जो ये खांड व्हाइट होती है ये किस तरीके से व्हाइट होती है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये जो खांड हमारी है सेंट्रल फ्यूगल मशीन होती है हमारी, अगर हम इसको व्हाइट करना होता है तो हम सेंट्रल फ्यूगल मशीन में डालेंगे राब, क्रिस्टल डालेंगे बिल्कुल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी की पिचकारी लगाएंगे, पानी लगाएंगे जी। तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि इसको धोल देते हैं पानी से, धुल जाती है ये, तो ये व्हाइट हो जाती है। अगर हमने फिर किस उपभोक्ताओं की शिकायत आई कि भाई ये चीनी है पीसी हुई जी, तो हमने एक वरायटी तैयार की येल्लो, उसका नाम दिया हमने येल्लो, उसमें हमने 11% मोलासिस छोड़ दिया, 11% तो वो येल्लो वरायटी हो गई। मोलासिस का बहुत बड़ा लाभ है शरीर में, जो हमारे ज्वाइंटों में इनमें घुटनों में दर्द रहता है ना, उनको दूर करने के लिए मोलासिस की मात्रा बढ़ जाती है उससे। अच्छा, और एक फिर हमने निकाली ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर में हमारी 18% मोलासिस है। अच्छा जी, चलिए। और जो हमारा गुड़ है, गुड़ को खाना खाने के बाद जरूर खाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है उससे, और हमारा जो है ना जैसे डायबिटीज वगैरह, हमारा पेट जो है ना बहुत अच्छा साफ हो जाता है उससे। गुड़ आपका बात करें तो मैं भी जैसे जानता हूँ जी,
तो गुड़ आपका कम से कम भी जहाँ आपका 8 से 10 घंटे में खाना पचता है जी, तो गुड़ आपका 5 से 6 घंटे में जी बिल्कुल 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 पचा देता है जी। और क्या है ना, जैसे ये लोग बोलते हैं कि दूध अब जब नकली दूध ज्यादा आ रहा है मार्केट में, तो दूध का ऑप्शन सिर्फ गुड़ ही है जी। गुड़ अगर आप खाने के बाद खा लो तो दूध की पूर्ति हो जाती है आपकी और शुद्ध मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक मिलेगा। अगर जैसे हमारे किसान भाई आपको देख पा रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, अगर कोई भी किसान भाई, अगर कोई भी देशवासी में अगर मंगाना चाहता है आपका ऑर्गेनिक गुड़ या शक्कर खांड, तो वो कहाँ पर संपर्क करे, कैसे वो उससे ले सकते हैं? उनको आसानी से मिल जाएगा जय शुद्ध भूमि एपीओ पे। और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहूंगा सभी उपभोक्ताओं को, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6395277215। तो एक बार दोबारा और बताना चाहता हूँ, 6395277215। तो ये हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने प्योर ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर तैयार किया है हर देशवासी के लिए, कोई भी चाहे तो इनके यहाँ से अपना गुड़ शक्कर खांड इत्यादि खरीद सकता है, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, बिल्कुल गारंटी के साथ है। तो मेरे सभी किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाते जाते हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।